मैं हाजिरी लगाने आया हूँ। जब हाथ जोड़े मुस्कुराते एलजी से बोले अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के एट होम इवेंट में एक विशेष बाजरा काउंटर मंगलवार को सबकी निगाहों के केंद्र में था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल और भाजपा सांसदों के साथ मुस्कुराते और नमस्कार करते दिखे। उन्होंने उपराज्यपाल से कहा कि मैं यहाँ हाजिरी लगाने आया हूँ। इस बीच थोड़ी देर के लिए सारी राजनीतिक तल्खी मिटी दिखी। कोविड 19 के कारण 2 साल के अंतराल के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और उनकी पत्नी संगीता सक्सेना द्वारा आयोजित एट होम में उनके और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच तनाव कुछ मिनटों के लिए टल गया। केजरीवाल ने हंसते हुए सक्सेना से कहा, मैं अपनी हाजिरी लगाने आया हूँ। इस वार्षिक कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भाजपा सांसद गौतम गंभीर, मनोज तिवारी और परवेश वर्मा और कई राजनेताओं और नौकरशाहों ने भाग लिया। एलजी विनय कुमार सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार पिछले साल की शुरुआत में कार्यभार संभालने के बाद से ही एक दूसरे के खिलाफ है। पिछले कुछ हफ्तों में इनके बीच का तनाव ज्यादा बढ़ गया है। सीएम केजरीवाल ने एलजी सक्सेना पर उन मामलों पर निर्णय लेने का आरोप लगाया है जो निर्वाचित सरकार के दायरे में आते हैं। एलजी कार्यालय द्वारा इन आरोपों से हमेशा इनकार किया गया है। दोनों के बीच का यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। हालांकि मंगलवार को दोनों एक दूसरे का अभिवादन करते हुए मुस्कुरा रहे थे। एट होम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस से पहले आयोजित एक पारंपरिक मिलन और अभिवादन का कार्यक्रम है। उपराज्यपाल की ओर से आयोजित एट होम समारोह में मुख्यमंत्री के शामिल होने की प्रथा है। इसमें दिल्ली के लोकसभा सांसद गौतम गंभीर, मनोज तिवारी, रमेश भिधूड़ी और प्रवेश वर्मा ने भी भाग लिया। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन समेत कई विधायकों और भारत में विदेशी मिशनों के प्रतिनिधि और नौकरशाह ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।